इस बार की छोटी दिवाली में ये छोटू सा मेहमान हमारे घर में आए हैं। अब सुबह के 4:10 हो रहा है और हम सुबह कहाँ जा रहे हैं? चलिए देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। दिवाली की रात है, 4:10 है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है। बाय बाय, हम जा रहे हैं एक लंबी सफ़र पे और ढेर सारे मास्क के साथ। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अरे अरे, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो ले जाइए। आप लोगों ने देखा बाहर कितना अंधेरा है? बस अब बैठ गए हैं हम तीन जन और साथ में मेरा भोलू। भोलू पहरेदार को लेके हम जा रहे हैं। गली से निकलते हुए हमें पहुंचना है मेन रोड पर, फिर वहां से हम जाएंगे। पहला डेस्टिनेशन है गुड़गांव, उसके बाद भिवाड़ी, उसके बाद नीमराना। वहां हमारे लिए कुछ दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। अभी सुबह के 4:30 हो रहा है। आप देखिए क्या हालत है दिल्ली में। फॉग इतनी है कि 10 की दूरी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम हैं बारापुला रोड में और आमने सामने कोई गाड़ी है नहीं, तो इसीलिए हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि 8 की रास्ता है, जल्दी सफ़र तय करना है। अभी हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट वाली रास्ते पे। 2 सफ़र के बाद हम भिवाड़ी में एक पेट्रोल पंप में रुके हुए हैं, क्योंकि सुबह है, 2 हो गया है, वॉशरूम में जाना था तो यही रुक गए। जल्दबाजी में हमने पैकिंग किया था। अब मुसीबत ये हो गया है कि मैंने ना कोई जैकेट, ना स्वेटर, ना कुछ भी नहीं लाई। और मैं जब बाहर आई ना, वो इतनी ठंड है यहाँ, मैं आपको क्या बताऊँ कि मुझे मेरे तो हाथ पैर हिलने लगे, कांपने लग गए पूरे। अब पता नहीं आगे और टेम्परेचर का क्या हालत होगा। गाड़ी में जब तक थे अंदर, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब गाड़ी से उतरी तभी ये हालत देखा। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सुबह 6:30 रहा है, अब आसमान धीरे धीरे साफ हो रही है। हम चल पड़े हैं नीमराना की ओर। गलतियों से भरपूर है ये ट्रिप, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या है। देखिए, ये हम टोल प्लाज़ा में खड़े हुए हैं और ये हमें आगे जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? गाड़ी में फास्टैग तो लगा हुआ है, पर फास्टैग में पैसे ही है नहीं। ये पेटीएम के थ्रू फास्टैग में पैसे जमा किया जाता है और हमने पेटीएम में पैसे ऐड करना भूल गए। इनकी भी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अब ये भाई साहब हमें बता रहे हैं नहीं हुआ। पीछे अगर कोई गाड़ी होती ना, इतने समय में तो हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाता। क्या किया जाएगा, पैसे ही पे करने होंगे। इस एरिया में नेटवर्क भी बिल्कुल ख़राब थी। हम बहुत बार कोशिश कर रहे थे पर पेटीएम में पैसा ऐड ही नहीं हो रहा था। मजबूरी में हमें पैसे देने पड़े। और दुख की बात ये है, अगर आप पैसे दोगे ना टोल प्लाज़ा में, तो आपको डबल पे करना पड़ता है। 130 की जगह हमें 260 देना पड़ा। इस गलती से हमने ये सीख ले लिया, भाई साहब जब भी बाहर निकले पेटीएम में पैसे ज़रूर ऐड करके ही निकले। नीमराना में ओल्ड राव ढाबा की एक आउटलेट थी, तो हम लोग डिसाइड किया था कि यही मिलेंगे। एक ग्रुप तो दिल्ली से ही है और दूसरा एक ग्रुप कोलकाता से आए हुए है। चलिए मिलते हैं इनसे। देखिए ये क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, आप लोगों को भी ये नमस्ते कह रहे हैं। ये आए हैं कोलकाता से और ये है हमारी टीम लीडर। ब्लू शर्ट में जो है वो भी हमारे दोस्त है और वो दिल्ली में रहते हैं। सब बहुत खुश है हमें देख के। हम यही सोच रहे थे कि कितना टाइम और लगेगा हमें रणथंभौर पहुँचने में। ये साहब जो है ये बिल्कुल शार्लक होम्स जैसे दिखने में है और सब जैकेट, स्वेटर सब कुछ पहन के आए हुए हैं। हम बेवकूफ़ बन गए। और अंदर एक और है छोटा मास्टर।
इस ग्रुप में ना दो डिवीजन है, एक है समर ग्रुप और एक है विंटर ग्रुप। इन लोगों को देख के लग रहा है कि हम राजस्थान आए हैं गर्मी के मौसम में, और उनको देख के लग रहा था कि हाँ भाई विंटर सीजन में ही है। अब आप हम मुझे देखिए, मैं भी हूँ समर में, ये है देखिए देखिए, ये है विंटर ग्रुप और मैं हूँ समर ग्रुप की लीडर। दोनों डिवीजन क्लियर है, एक है समर ग्रुप और एक है विंटर ग्रुप। समर ऑटम विंटर। राव होटल ढाबा जो था ये बस ओपन ही हुआ था और हम हैं इनके पहले कस्टमर। देखिए पूरा का पूरा होटल खाली है, हमें मेनू दे दिया गया कि आप क्या खाएंगे, और हमें दूर से इन लोगों ने देख लिया था कि खड़े हैं, तो इन्होंने जल्दी जल्दी अपना जो ढाबा है इनको ओपन कर दिया है। 10-12 जन अगर मीट करते हैं ना कहीं पे, कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। इतने में मैं निकल पड़ी हूँ अपना वीडियो करने के लिए। बहुत सारे मिठाई थी यहाँ पर, मिठाई खाने का मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह, और मुझे मिठाई खाना भी मना है। छोले कुलचे, छोले पूरी और वो था पाव भाजी भी था, तो ये सब भी हम नहीं खा रहे थे। तो हमने कुछ अलग ही दिया है खाने के लिए। देखिए हमने क्या डिसाइड किया है अल्टीमेटली, चलिए देखते हैं। पनीर सैंडविच, वेज सैंडविच, एग दोस्तों, आर होलो, इटाओ की सैंडविच, इटा ग्रिल सैंडविच, और ग्रिल वेज सैंडविच, आर वो जो कॉफी, कॉफी कॉफी, चाय गरम चाय चाय चाय। आधा घंटा बस हम यहीं पे रुके थे, और साथ के साथ देखिए बहुत सारे कस्टमर्स आ गए थे वहाँ खाना खाने के लिए। अब हमें बिना रुके 6 घंटे की सफ़र तय करना है। काफ़ी मुश्किल है ये, सूरज भी उग गया है और व्यू भी बहुत ही बढ़िया है। इस तरफ पॉल्यूशन थोड़ी कम है, अब हम राजस्थान में ही हैं, और दूर जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वो अरावली हिल्स है। मुझे तो यही सोच के मज़ा आ रहा था, रात हम दिल्ली में थे अब सुबह हम राजस्थान में हैं, और नज़ारा देखिए, हम रुक गए हैं यहाँ, चल नहीं पाए, इतनी अच्छी एक नज़ारा सामने जो था। क्या आपको पता है इसको क्या कहा जाता है? कैटकिंस, कैटकिंस, बंगाली में इसको काशफूल कहा जाता है। और ऑटम सीजन में ये कैटकिंस की झाड़ियाँ आपको रिवर बैंक्स के आसपास ढेर सारे देखने को मिलता है, और ये बंगाली में काशफूल कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हमें बताइएगा ज़रूर लिख के कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अब मुझे क्या देखने को मिला, देखिए क्या है बताइए तो, ये मिर्ची, ढेर सारी मिर्ची, पता नहीं कैसे हाईवे के इस साइड में पड़ा हुआ था, और साथ में मुझे इतनी सुंदर फूल भी देखने को मिले। क्या अद्भुत है ना, रास्ते के पास इतनी खूबसूरत फूल अपने आप उग गया है। देखिए कुदरत का क्या करिश्मा है ना। ये है वो हाईवे, नेशनल हाईवे 48, जयपुर जा सकते हो, अलवर जा सकते हो आप इसी से। हाँ यहाँ देखिए क्या हो रहा है, गुलाब के फूल तो है नहीं, कैटकिन से ही प्रपोज किया जा रहा है। क्या नज़ारा है ये मज़ा आ गया, फोटो सेशन है ये, फोटो सेशन। अब कुछ भी हो जाए हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधी रास्ते से हम सीधा जाएंगे रणथंभौर। अगर बीच में टॉयलेट की ज़रूरत पड़ी
तो हम वहाँ रुक सकते हैं, बस और कहीं नहीं। चलिए एक गाना सुनते हैं। এই যা তুই তো ভিডিওতে চলে এলি, কি হবে? बस हम पहुंच गए हैं 1 बजे रणथंबोर टाइगर केव रिसोर्ट में। अब वहां से जल्दी जल्दी खाना खा के ही हम निकल पड़े हैं जंगल सफारी के लिए रणथंबोर नेशनल पार्क में। देखिए ये नज़ारा काफ़ी हद तक सस्पेंसिव है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आगे की कहानी देखने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करके रखना है। मिलते हैं।